मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के ऑनर ने पुलिस कंप्लेन की होती है क्योंकि उसकी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में लाउड म्यूजिक पार्टी चल रही थी जिसकी वजह से बाकी अपार्टमेंट वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जब दो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आते हैं तो बिल्डिंग का ऑनर उन्हें उस अपार्टमेंट के पास लेकर जाता है। काफी बार नॉक करने के बावजूद भी कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता, तब वो ऑनर एक एक्स्ट्रा की से उसका दरवाजा खोलता है और जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता और एक दरवाजे पर खून लगा हुआ था। और जब पुलिस ऑफिसर उसके अंदर जाते हैं तो शॉक रह जाते हैं क्योंकि वहां पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिनका काफी बुरा हाल था। तब एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से म्यूजिक बंद करता है। उन डेड बॉडीज में से एक लड़की जिंदा थी जो चिल्लाते हुए उठती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक कपल पर आता है, वो दोनों अपनी गाड़ी में होते हैं और वो दोनों फ्रेंड्स थे। उनमें से लड़की का नाम ब्री होता है। ब्री का फ्रेंड अपने एक दूसरे फ्रेंड को लेने जा रहा था क्योंकि आज वो कुछ फ्रेंड्स पिकनिक पार्टी मनाने जा रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तीन फ्रेंड्स पर आता है और वो तीनों भी गाड़ी में बैठे होते हैं और ये तीनों भी ब्री के फ्रेंड्स थे। उनमें से लड़के का नाम जॉन था। वो तीनों भी उसी पिकनिक पार्टी में जा रहे थे। इसके बाद हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो क्राइम लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो वहाँ आकर अपने एक ऑफिसर से पूछता है कि ये लोग कैसे मरे, कोई वेपन मिला है, जिस पर वो ऑफिसर जवाब देता है कि नहीं, यहाँ पर कोई वेपन नहीं मिला और डेड बॉडीज की बहुत सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इनकी बॉडीज पर बाइट के निशान है, यानी किसी ने बहुत बुरे तरीके से काटा हुआ है। तब डिटेक्टिव को वहाँ से एक आधी फटी हुई पिक्चर मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को कहता है कि इनके डीएनए टेस्ट करवाए जाएं और साथ साथ इनके फोन कॉल्स रिकॉर्ड चेक किए जाएं और इस बारे में मुझे इन्फॉर्म किया जाए। और खुद वो हॉस्पिटल जाता है उस सर्वाइवल लड़की के पास जो कि उन डेड बॉडीज में से जिंदा उठ गई थी। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम्हारे दोस्तों को किसने मारा और तुम लोगों की बॉडीज पर ऐसे काटने के निशान कैसे हैं। तब वो लड़की डिटेक्टिव को देखकर घबरा जाती है जिस वजह से डॉक्टर उस डिटेक्टिव को वहां से जाने के लिए कहती है कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है। वो सारे फ्रेंड्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। ये सारे फ्रेंड्स बोट के जरिए किसी आइलैंड पर जाकर पार्टी करने जा रहे थे और तभी वहां ब्री जॉन को अजीब हरकतें करता नोटिस करती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और बोट में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बेसमेंट में जा रहा था और वो बूढ़ा आदमी एक सेनेटर था, यानी सेनेट का मेंबर। और जिस बेसमेंट में वो आया था वहां की सिक्योरिटी काफी अलर्ट होती है। वहां पर कुछ कैबिन्स बने हुए थे और एक कैबिन में एक कपल को कैद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ वो सारे फ्रेंड्स आइलैंड पर पहुंच गए थे। वहां पर एक कैबिन था जहां उन्होंने स्टे करना था। बोट का कैप्टन उन्हें बताता है कि इस घर के ऑनर ने सुसाइड कर लिया था और यहां पर एक रेडियो भी है, अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना वरना मैं तो दो दिन बाद ही आऊंगा यहां पर। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सारे फ्रेंड्स काफी इंजॉय करते हैं। उधर वो डिटेक्टिव उस इंजर्ड लड़की की सारी डिटेल्स निकाल रहा था। उसे उस फटी हुई तस्वीर का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। उस पिक्चर में उस लड़की के साथ जॉन बैठा हुआ था। फिर वो अपने एक ऑफिसर के पास जाता है और उससे वो इंजर्ड लड़की की फोन कॉल रिकॉर्ड के बारे में पूछता है। तो वो ऑफिसर बताता है कि उसकी आखिरी कॉल जॉन को हुई थी और उनकी बात तकरीबन 2 या फिर 3 मिनट हुई थी। तब डिटेक्टिव ऑफिसर को जॉन के बारे में सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। दूसरी तरफ हमें वॉशरूम में जॉन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ड्रग्स ले रहा था और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर सारे फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे थे और इसके बाद जॉन शराब पीने लगता है। अब यहाँ पर जॉन खुद तो ड्रग्स ले ही रहा था और साथ ही वो ड्रग्स का एक पैकेट अपने एक मेल फ्रेंड को भी दे देता है। उधर उस पुलिस ऑफिसर ने जॉन के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली थी और वो सारी डिटेल्स कॉल पर डिटेक्टिव को बता रहा था। वो बताता है कि जॉन सिर्फ 21 साल का है लेकिन फिर भी वो 2 बार जेल जा चुका है और उसे बात बात पर गुस्सा आता है। वो एक अग्रेसिव इंसान है और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है, ड्रिंक करता है और ड्रग्स के मैटर में तो कई बार पकड़ा भी जा चुका है। अब यहाँ पर जॉन की काफी सारी डिटेल्स सामने आती हैं जो कि सारी तकरीबन बुरी ही थी। इसका मतलब ये है कि जो कोई गड़बड़ है वो जॉन में है। उसके बारे में एक बात ये भी सामने आती है कि जब वो 16 साल का था तो उसने अग्रेसिव होकर अपने स्टेप फादर को बैट से मार मार कर उसका सर क्रश कर दिया था और यही वजह बनी कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया जहाँ पर 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और फिर वो ठीक हो गया। तब ये सारी बातें सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि ओके ठीक है ऑल राइट, लेकिन जॉन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करो, क्या पता हमें कुछ और क्लोज मिल जाए। उधर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर ड्रग्स ले रहे होते हैं। अब ब्री को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर आ जाती है और तब उसका बेस्ट फ्रेंड आकर वहाँ पर उसे मनाता है और आकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है जिस पर ब्री खुश हो जाती है। फिर हमें वो कपल दिखाया जाता है जिसे उस बूढ़े आदमी ने एक कैबिन में कैद करके रखा हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता करके उनका बिहेवियर भी अग्रेसिव होता जा रहा था। अब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अग्रेसिव होता हुआ देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं करता। इसके बाद हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह कैबिन में कैद हैं और वो भी सारे अग्रेसिव हो रहे हैं और ये देखकर वो सेनेटर यानी वो बूढ़ा आदमी काफी खुश हो रहा था। फिर उन फ्रेंड्स में से एक लड़का देखता है कि जॉन की फ्रेंड रूम में बैठकर रो रही है। तब वो लड़का जॉन की फ्रेंड से पूछ
पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्यों रो रही हो तुम और बाहर क्यों नहीं आ रही। इस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ना कि जॉन को। और तब वो लड़का जॉन की फ्रेंड को रिलैक्स करता है, लेकिन तभी उन्हें डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। और तब जॉन की फ्रेंड रूम से बाहर आकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो और वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हो। इसके बाद उस रूम में जॉन आ जाता है और उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है और वहाँ पर उनका वो मेल फ्रेंड छुपा हुआ था। और तब जॉन उसे देखे बगैर वॉशरूम में चला जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो अपने उस मेल फ्रेंड को बाहर जाते हुए देख लेता है। इसीलिए उसे अपनी फीमेल फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो फिर से अग्रेसिव होने लगता है। तब जॉन का मेल फ्रेंड उसे पूछता है कि आर यू ओके, ठीक हो ना तुम, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ ठीक हूँ मैं। इसके बाद वो दोनों भी अपने बाकी फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। जॉन को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंस रहे हैं, यानी उसका मजाक बना रहे हैं, और उन सबके फेसेस उसे अजीब लग रहे थे। और इसी बीच जॉन अपने उसी मेल फ्रेंड को पंच मारता है जो कि उसकी फीमेल फ्रेंड के रूम से निकला था। यहाँ पर ब्री जॉन को रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी आंखों में देखती है तो डर जाती है क्योंकि उसकी आईज बिल्कुल खून की तरह रेड हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे खून उतर आया हो उसकी आंखों में। उसे काम डाउन किया जाता है, लेकिन तभी वो जंगल की तरफ निकल जाता है। तब उसकी फीमेल फ्रेंड भी उसे रिलैक्स करने के लिए उसके पीछे भाग जाती है और बाकी के चारों फ्रेंड्स घर के अंदर आ जाते हैं। तब वो लोग अपने उस मेल फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो जॉन ने तुम्हें पंच मारा, जिस पर वो इनकार कर देता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर जॉन और उसकी फीमेल फ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्री का फ्रेंड टॉर्च लेकर जंगल में जाता है। उधर डिटेक्टिव उस इंजर्ड लड़की के पास आकर उसे पूछ रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था। तब डिटेक्टिव पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है डरते हुए, पैनिक कर जाती है वो। और जब डिटेक्टिव डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगता है तो तब वो लड़की खून की उल्टी करती है जिसमें उसकी फीमेल फ्रेंड की कटी हुई उंगली थी, और ये देखकर तो उस डिटेक्टिव की होश उड़ जाती है। फिर उनका वही फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और तभी अचानक से उसे ब्री के फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और तब वो लड़का भागकर उनकी तरफ जाता है। वहाँ पर उन्हें जॉन की फीमेल फ्रेंड मिलती है जो कि काफी इंजर्ड थी। तब वो दोनों उसे उठाकर कैबिन में वापस ले आते हैं। ब्री रेडियो के जरिए बोट के कैप्टन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बार में ड्रिंक कर रहा था। फिर वो लोग जॉन की फ्रेंड का खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो सब फ्रेंड्स काफी डरे होते हैं, घबराए होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है और तब ब्री का फ्रेंड चेक करने जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जॉन था जो कि बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हुआ था वहाँ पर। और तभी अचानक से वो अपने फ्रेंड्स पर अटैक कर देता है। तब वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे जॉन अंदर नहीं आ पाता। और तभी उनकी एक और फीमेल फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी आईज भी रेड हो गई थी खून की तरह। उसे भी ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंस रहे हैं और अजीब तरह के फेसेस बना रहे हैं। इतनी ही देर में जॉन की फ्रेंड उठकर अपनी उस फीमेल फ्रेंड पर अटैक कर देती है और उसके गले पर बाइट करके उसे खा लेती है। इसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंड्स पर भी अटैक कर देती है। तब उनका मेल फ्रेंड एक हैमर से उस पर अटैक कर देता है और वो उसे हैमर से इतना ज्यादा मारता है कि वो मर जाती है। और तब उनके उसी मेल फ्रेंड की भी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी भी आईज रेड हो गई थी जैसे खून उतर आया हो उसकी आंखों में, और उसे भी वैसा ही नजर आ रहा था जैसे बाकी देख पा रहे थे, यानी कि उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तब जल्दी से ब्री के दोनों फ्रेंड्स ऊपर भाग जाते हैं और तब जॉन ब्री के फ्रेंड की टांग पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह ऊपर जाकर रूम की विंडो से बाहर कूद जाते हैं। तब उनका एक मेल फ्रेंड खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है। कॉटेज के पास ही एक छोटा सा रूम था जहाँ पर ब्री और उसका फ्रेंड जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वो कपल जो कैबिन में था उसमें से आदमी ने अपनी वाइफ को काट काट कर खा लिया था और वो आदमी भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था, पागलों जैसे रिएक्ट कर रहा था और वो बुढ़ा आदमी उसे देखकर खुश हो रहा था। ब्री देखती है कि उसकी फ्रेंड की आईज का कलर भी चेंज हो रहा है, यानी वो भी रेड हो रही है खून जैसे। तब ये देखकर ब्री उसे बांध देती है ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे और खुद वो दोबारा रेडियो से हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये एक वायरस है और ये वायरस ड्रग से फैलता है और ये किसी ने जानबूझकर फैलाया है और इसका असर इंसान पर कुछ टाइम के लिए ही रहता है, लेकिन ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इंसान को जानवर बना देता है। यानी जब ये किसी इंसान पर असर करता है तो उस इंसान को भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। अब क्योंकि ब्री ने वो ड्रग्स नहीं लिया था इसीलिए उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। फिर डिटेक्टिव उसी इंजर्ड लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया था, और अगर तुमने ड्रग लिया था तो वो तुम्हें किसने दिया था, जिस पर वो कहती है कि मुझे वो ड्रग जॉन ने दिया था। तब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है, जिस पर वो कहती है कि नहीं वो मेरा फ्रेंड नहीं है। फिर डिटेक्टिव अपने ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि अब जॉन की फ्रेंड के बारे में सारी डिटेल्स निकाली जाए, साथ साथ वो उसे ट्रेस करने के लिए भी कहता है ये जानने के लिए कि इस टाइम वो कहाँ पर है। ब्री दोबारा से रेडियो से हेल्प मांगने के लिए आती है। तब वो दिखती है कि जॉन और उसका फ्रेंड एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। यहाँ पर जॉन अपने उस मेल फ्रेंड को मार डालता है। ब्री कुछ फायर क्रैकर्स उठाकर आग में फेंक देती है जिसकी वजह से जॉन डिस्ट्रैक्ट होता है और ब्री को घर के अंदर आने का मौका मिल जाता है। और तब वो जल्दी से रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पीछे उसकी फीमेल फ्रेंड आकर उस पर अटैक कर देती है। और जब बोट का कैप्टन ये आवाजें सुनता है तो वो फौरन हेल्प
के लिए निकल जाता है। अपनी दोनों फीमेल फ्रेंड्स की आवाज सुनकर जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और अब जॉन और उनकी उस फीमेल फ्रेंड की लड़ाई होने लगती है जो कि इन्फेक्टेड थी। तब ब्रेक को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर बाहर आ जाती है। जॉन और उस फीमेल फ्रेंड में काफी फाइट होती है लेकिन जॉन अपनी उस फीमेल फ्रेंड को भी मार देता है। इसके बाद जॉन ब्री पर अटैक कर देता है लेकिन ब्री उसे पुश कर देती है और वो जाकर आग में गिरता है और उसे आग लग जाती है। इसके बाद ब्री वहाँ से भागकर दोबारा से कॉटेज की तरफ आती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका मेल फ्रेंड अपने हाथ काट कर वहाँ से भाग गया है। इसके बाद ब्री आइलैंड की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी रास्ते में उसका फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो किसी तरह उसे बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसका वो फ्रेंड जो कि इन्फेक्टेड था अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और ये देखकर ब्री पानी में कूद जाती है। तब उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी कूद जाता है। तब बोट का कैप्टन भी वहाँ पर आ चुका था और वो ब्री को पानी से निकाल कर बोट पर ले आता है लेकिन ब्री का फ्रेंड बोट के कैप्टन को पकड़ लेता है और तब ब्री कैप्टन की गन से अपने फ्रेंड को शूट कर देती है। इतनी ही देर में जॉन भी वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देता है और ब्री उसे भी शूट कर देती है लेकिन इस अटैक की वजह से बोट का कैप्टन मर जाता है और अब ब्री भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जॉन का जला हुआ फेस दिखाया जाता है जो कि बहुत डरावना लग रहा था और अब जॉन अपने सेंसेस में वापस आ गया था और वो ब्री और बोट के कैप्टन की डेड बॉडीज देखकर बहुत रोता है। उधर वो कैबिन वाला आदमी भी अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर बहुत रोता है लेकिन बाहर वो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ की सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जो हो गया था। फिर वो सारे कैबिन में पॉइजनस गैस छोड़कर सभी को मार डालते हैं ताकि कोई एविडेंस बाकी ना रहे और वो पकड़े ना जाए। दूसरी तरफ हम बोर्ड पर ब्री को देखते हैं जो मरी नहीं थी बल्कि इंजर्ड थी और बेहोश हुई भी थी और जब उसे होश आता है तो वो जॉन को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब ये सुनकर जॉन खुद को शूट करके मारने की सोचता है लेकिन गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी और वहीं पर डिटेक्टिव अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के पास वहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है और जब वो पुलिस ऑफिसर्स जॉन के हाथ में गन देखते हैं तो वो अपनी गन उसकी तरफ कर देते हैं। तब जॉन अपनी गन उनकी तरफ करता है ये दिखाने के लिए कि इसमें बुलेट्स नहीं है लेकिन उन पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि वो हमें शूट करने वाला है इसीलिए वो जॉन को शूट करके मार डालते हैं। अब डिटेक्टिव को पता चल चुका था कि जॉन आखिर कहना क्या चाह रहा है इसीलिए वो अपने ऑफिसर्स को रोकता ही रह जाता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर टीवी न्यूज पर आइलैंड मैसेकर यानी उन्हीं फ्रेंड्स के बारे में बताया जा रहा था और उस ड्रग्स के बारे में भी कि उसमें एक वायरस है जो तेजी से फैलता जा रहा है और ये सारे फ्रेंड्स उसी का शिकार हो गए और जो कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो वो जानवर बन जाता है और इंसानों को खाने लगता है। फिर न्यूज कॉन्फ्रेंस में हमें वही सेनेटर यानी बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि असल में ये वायरस भी टेररिस्ट का एक अटैक है और प्राइम मिनिस्टर इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अगर पब्लिक मुझे अगला प्राइम मिनिस्टर चूज करती है तो मैं वादा करता हूँ कि इस वायरस को खत्म कर दूंगा। फिर दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने एक सीक्रेट लैब में उसी वायरस को पौधों के जरिए उगा रहा है। यहाँ से ये अंदाजा लगा लेंगे वो किस कदर लालची इंसान था। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसने कितने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया और आगे भी करेगा वो ऐसे ताकि ये वायरस फैले और इसका एंटीडोट तो पहले ही उसने बना रखा था और जब वो इस एंटीडोट को लोगों पर अप्लाई करेगा लोग उसे हील होंगे तो वो सब में हीरो बन जाएगा और उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।